हेलो ऑल, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो हम करने वाले हैं आप और वो, ठीक है? अभी इस वक्त क्या सोच रहे हो? तो आज दोनों की रीडिंग मैं कर रही हूँ और दोनों के ही बारे में हम देखेंगे कि आप क्या सोच रहे हो अभी इस वक्त और आपकी पार्टनर क्या सोच रहे हैं अभी इस वक्त, ठीक है? तो आप दोनों की एक दूसरे के लिए फीलिंग क्या है, क्या थिंकिंग चल रही है एक दूसरे दूजे के लिए, ठीक है ना? तो इसी टॉपिक पे हम लोग आज की ये रीडिंग करने वाले हैं, ओके? तो टॉपिक आप लोग, पहले भी मैंने इस टॉपिक पे रीडिंग किया हुआ है तो आप लोग बहुत अच्छे से समझते हो, जानते हो, हाँ, कि मेरे कहने का क्या मतलब है। और जो पहली बार जो विजिट कर रहे हैं इस चैनल पे, तो उनको समझाना भी ज़रूरी होता है ना? तो आप दोनों ही जो है ना, अभी देखना है मुझे कि क्या सोच रहे हो, क्या क्या आखिर थिंकिंग चल रही है आप दोनों में, ठीक है? इस रिलेशनशिप को लेकर के, अपने अपने फ्यूचर के बारे में, या फिर आप दोनों ही एक दूसरे को लेकर के क्या थिंकिंग करते हो, ठीक है? तो पूरा हम लोग आज इसी के इर्द गिर्द जो है ना, हम लोग घूमने वाले हैं, यानी कि इसी टॉपिक पे हम लोग आज की रीडिंग करने वाले हैं, ओके? तो टॉपिक आप लोग समझ गए हो ना? ओके, चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो इस कार्ड से आप, जो भी आप मेरे पुराने व्यूवर्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, वो जानते हैं कि मैं इस कार्ड से हमेशा ही जो है ना, आपका पास्ट देखती हूँ। मतलब कि पास्ट हो या फिर अभी प्रेजेंट की स्थिति आप की क्या है, ठीक है, वो मैं इस कार्ड से देखती हूँ, ठीक है? तो वैसे ही हम लोग आज की भी रीडिंग करने वाले हैं, है ना? तो चलो देखते हैं प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। और आप लोग वीडियो स्किप कर करके देखते हो, पता नहीं क्यों, कैसे आपको समझ में आता है? मुझे नहीं पता, बहुत सारे लोग हैं जो है ना, वीडियो स्किप कर करके देखते हैं। उनकी मतलब कि सब सब जल्दी में ही होते हैं, अपने लव वन के लिए भी उनके पास टाइम नहीं है कि उनकी फीलिंग को वो अच्छे से देख सके, समझ सके। चलो कोई ना, चलो हम लोग रीडिंग करते हैं, ठीक है ना? प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। और हमेशा की तरह ये एक जनरल रीडिंग है तो वैसे ही लेना है आपको, ठीक है ना? और जिनके साथ रीडिंग रेजोनेट करती है, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक कर जरूर करना, है ना? और चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। ओके, चलो निकालते हैं कार्ड्स। टू ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है हमारे पास, टू ऑफ सॉर्ड्स, ओके। तो यहाँ पे कार्ड है मेरे पास टू ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, ओके। और कार्ड देखते हैं, और कार्ड देखते हैं, ठीक है? और कार्ड की एनर्जी को हम देखते हैं। एक मिनट, एक मिनट, क्या है ना कि कभी कभी कैमरा भी होता है ना, है ना? अब सही हो गया, ओके। चलो प्लीज इनवर्स गाइड मी। किंग ऑफ सॉर्ड्स, ये मैं आपकी एनर्जी को देख रही हूँ, ठीक है ना? ओके, चलो प्लीज इनवर्स गाइड मी, प्लीज इनवर्स गाइड मी, प्लीज इनवर्स गाइड मी, प्लीज गाइड मी, प्लीज इनवर्स गाइड मी। और यहाँ पे है नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड। वाओ, इंतजार इंतजार, बस तुम्हारा ही इंतजार, मुझे कोई और नहीं चाहिए, सिर्फ तुम चाहिए। वही मुझे अभी कार्ड की फीलिंग जो है ना, यही आ रही है, यही मुझे मैसेज भी चैनल हो रहा है कि बस इंतजार। टेन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो यहाँ पे ये है, ओके, प्लीज इनवर्स गाइड मी, प्लीज इनवर्स गाइड मी, प्लीज इनवर्स गाइड मी, प्लीज इनवर्स गाइड मी, प्लीज इनवर्स गाइड मी। सिक्स ऑफ वैंड्स, वेरी नाइस। काफी काफी अच्छी एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे, ठीक है? लास्ट कार्ड मैं निकाल रही हूँ आपके लिए, प्लीज इनवर्स गाइड मी। तो यहाँ पे जो मेरे पास कार्ड है, थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ओके। सिक्स ऑफ कप्स, वाह,
सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी है. ओके चलो मैं इसको यहाँ रखती हूँ. सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी, ठीक है. ये कार्ड मुझे क्या बता रहा है? मुझे ये कार्ड सीधे इंडिकेट कर रहा है कि आपकी चाहत है कि आप और वो फिर से एक साथ हो, ठीक है. जैसे आप दोनों का रिलेशन पहले था, पहले पुराना रिलेशन था, वैसे ही अभी आप रिलेशन चाहते हो अपने पार्टनर के साथ, ठीक है. तो ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है. और मुझे ये भी कार्ड बता रहा है कि आप जो है ना अपने पार्टनर के साथ काफ़ी कनेक्टेड फील करते हो. आपको आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि इस पर्सन को मैं पहले से जानती हूँ, जानता हूँ, ये मेरे लिए कोई नया पार्टनर नहीं है, ये पार्टनर जो है ना मेरे लिए पुराना है, ठीक है. तो हो सकता है कि आप लोग अपनी मम्मी की वजह से या फिर किसी फीमेल एनर्जी मुझे दिख रही है कि किसी फीमेल की वजह से आप लोग मिले हो, ठीक है. उन्होंने मिलवाया हो या फिर आप लोग कहीं मार्केट गए हो वहाँ मिले हो, क्योंकि ये पर्सन मुझे बाहर ही दिख रहा है कि बाहर ही मार्केट हो या फिर ट्रैवल करते समय आप कि इनसे मुलाकात हुई थी, ठीक है. और मुलाकात के दौरान ही आप दोनों का कनेक्शन धीरे धीरे जो है ना यहाँ पे बढ़ने लगा. कुछ लोग ऑनलाइन भी मिले हैं, ठीक है. ऑनलाइन शादी के लिए उन्होंने डाला होगा, है ना, बहुत सारी शादी.com वगैरह बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जिन पे आप लोग जो है ना उनकी प्रोफाइल को देख करके आप दोनों का कनेक्शन यहाँ पे मुझे दिख रहा है, ठीक है. तो कुछ लोग ऑनलाइन मिले हैं, उनसे बातें हुई है, अच्छे खासे मिले, बातें की, रिलेशन आगे बढ़ा, ठीक है. बहुत अच्छा रिलेशन लगा. आप लोगों ने फिक्स भी कर लिया था कि हाँ हम शादी करने वाले हैं और इस डेट को शादी करेंगे, ठीक है. आप अपने घर में भी बात करने वाले थे, आपके पर्सन आपके घर में बात करने वाले थे, अपने घर में बात करने वाले थे. लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे आपके पर्सन ने कहा तो सही कि हाँ मैं बात करूंगा या बात करूंगी अपने घर वालों से, लेकिन आपके पार्टनर ने यहाँ बात नहीं की. सॉरी मेरा गला थोड़ा सा खराब हो रहा है. तो यहाँ पे आपके पर्सन ने बात नहीं की आपसे. थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है. यहाँ पे इस पर्सन ने कंपेयरिंग स्टार्ट कर दिया कि मेरी फैमिली मेरे लिए सबसे पहले है, मेरी फैमिली मेरे लिए सबसे पहले है, मेरी फैमिली जो बोलेगी वही मैं करूँगा, ठीक है. तो इन्होंने ये आपको आपने बोला होगा कि हाँ तुम क्यों नहीं बढ़ रहे हो या क्यों नहीं बात कर रहे हो, तो इन्होंने यही कहा होगा कि मेरी फैमिली नहीं मानेगी, मेरी फैमिली मेरे लिए सबसे पहले है, मैं अपने फैमिली के अगेंस्ट जाके शादी नहीं कर सकता, है ना. तो इन्होंने आपसे ये सब बोला होगा, ठीक है. और यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आप जो है ना आप अपने पार्टनर के साथ ही आगे बढ़ना चाहते हो, ठीक है. यहाँ पे देखो एक्शन के ही कार्ड हैं. आपको इंतजार है, आपके पार्टनर ने आपको कहा भी होगा कि ये जो है ना ये कनेक्शन बनेगा, ठीक है, एक ना एक दिन कनेक्शन बनेगा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, नहीं रह सकती, हम दोनों एक होंगे, ठीक है. तो यहाँ पे मुझे वही सिचुएशन सेम दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर जो है ना यहाँ पे आपको एक भरोसा देकर आपके भरोसे को यहाँ पे तोड़ा है आपके पर्सन. अब जो है ना अब जो है आप नहीं तय कर पा रहे हो कि आपको क्या करना है, मतलब आपको मूव ऑन करना है या इसी रिलेशनशिप में रहना है, आप नहीं समझ पा रहे हो. लेकिन एक अंदर से आपकी जिद है, ठीक है, कि मुझे इसी रिलेशन में रहना है, मुझे यही पार्टनर चाहिए. आपको ऐसा लगता है कि ये पार्टनर मेरी लाइफ में दोबारा आएगा, आपका दिल कहता है. आप जब सोचते हो तो आपको ऐसा लगता है कि मैं जो ये सोच रही हूँ या मैं जो ये सोच रहा हूँ ये मेरे पर्सन तक मेरी बातें जा रही हैं, है ना. तो ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है कि आप ऐसी थिंकिंग कर रहे हो अपने पार्टनर के वापस आने का. यहाँ पे आप बेसब्री से वेट कर रहे हो, ठीक है. तो यहाँ पे ये है. चलो यहाँ पे अब हम जो है ना आपके पार्टनर और आपकी एनर्जी को चेक करते हैं, देखते हैं क्या है, ठीक है. तो इससे मैं जो है ना आपकी एनर्जी को देखूंगी इस कार्ड से, ठीक है, और दूसरे कार्ड से आपके पार्टनर की एनर्जी को देखूंगी. तो सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी को देखती हूँ कि अभी आप इस वक्त क्या सोच रहे हो, ठीक है. ये तो आप दोनों के बीच के जो कंडीशंस थी, जो सिचुएशन चल रही थी, जो हुआ था वो था, लेकिन अभी ये एनर्जी से हम इस कार्ड से देखेंगे कि क्या अभी है, ठीक है, क्या अभी आप लोग सोच रहे हो अपने पार्टनर के बारे में, ठीक है.
तो प्लीज़ इन्वर्स गाइड मी, प्लीज़ इन्वर्स गाइड मी। जो भी व्यूअर देख रहे हैं उनके पार्टनर, सॉरी प्लीज़ इन्वर्स गाइड मी, जो भी व्यूअर देख रहे हैं वो अपने पार्टनर के बारे में क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ इन्वर्स गाइड मी, प्लीज़ इन्वर्स गाइड मी, प्लीज़ इन्वर्स गाइड मी, प्लीज़ इन्वर्स गाइड मी, प्लीज़ इन्वर्स गाइड मी। तो यहाँ पे मेरे पास द सन का कार्ड है, ठीक है, द सन का कार्ड है मेरे पास। ओके, और कार्ड देखते हैं। प्लीज़ इन्वर्स गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ इन्वर्स गाइड मी। द वर्ल्ड, ओके, प्लीज़ इन्वर्स गाइड मी। सो यहाँ पे है मेरे पास नाइट ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ वैंड्स के पास नाइट ऑफ वैंड्स का ही कार्ड आया है, देख लो। नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड है। बहुत अच्छी एनर्जी। ओके, चलो प्लीज़ इन्वर्स गाइड मी, जो भी व्यूअर देख रहे हैं अपने पार्टनर के बारे में क्या सोच रहे हैं, ये प्लीज़ इन्वर्स गाइड मी, प्लीज़ प्लीज़ गाइड मी। द हैंगमैन, ओके, द हैंगमैन, ओके, चलो और देखते हैं। प्लीज़ इन्वर्स गाइड मी, प्लीज़ इन्वर्स गाइड मी, प्लीज़ इन्वर्स गाइड मी, प्लीज़ प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ इन्वर्स गाइड मी, प्लीज़ इन्वर्स गाइड मी। यहाँ पे है फाइव ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी। ओके, और कार्ड देखते हैं। प्लीज़ इन्वर्स गाइड मी, प्लीज़ प्लीज़ गाइड मी। द मैजिशियन, ओके, सो ये आप अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हो, ये मैंने कार्ड जो है ना सिर्फ आपके लिए निकाले हैं। अब मैं आपके पार्टनर के लिए कार्ड निकाल रही हूँ कि वो क्या सोच रहे हैं अभी इस वक्त, ठीक है ना। तो मैं कार्ड को ऊपर कर रही हूँ क्योंकि ऊपर वाले कार्ड्स हमने रीड कर लिए हैं, और अब जो है ना मैं इस कार्ड को रीड करने वाली हूँ, ठीक है। तो आपके और आपके पार्टनर दोनों की एनर्जी को मैं चेक कर रही हूँ। चलो अब मैं दूसरे कार्ड से जो है ना आपके पार्टनर की एनर्जी को देख रही हूँ, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक देख लो, इसमें है पेज ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी। ओके, पेज ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है ना, यहाँ पे ये है। चलो अब मैं दूसरे कार्ड का यूज कर रही हूँ। ओके, प्लीज इन्वर्स गाइड मी, प्लीज इन्वर्स गाइड मी, प्लीज 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 गाइड मी, प्लीज इन्वर्स गाइड मी, प्लीज गाइड मी। टेन ऑफ कप्स, वाओ, द सन और टेन ऑफ कप्स, वाओ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, और कार्ड देखते हैं। टेन ऑफ शॉर्ट्स, तो थोड़ा सा मैं कैमरा अप कर रही हूँ। ओके, प्लीज इन्वर्स गाइड मी, प्लीज इन्वर्स गाइड मी। एस ऑफ शॉर्ट्स, वेरी नाइस, और कार्ड देखते हैं। प्लीज द वर्ल्ड, क्या बात है, मेरे पास दोनों डेक में ही द वर्ल्ड का कार्ड आया है, वेरी नाइस। सेवन ऑफ शॉर्ट्स, ओके, प्लीज इन्वर्स गाइड मी, ला 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 ला। एट ऑफ कप्स, ओके, सो चलो बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है मेरे पास बॉटम ऑफ द डेक। ओके, तो देखो यहाँ कार्ड्स मुझे क्या बता रहे हैं, यहाँ पे आप क्या थिंकिंग कर रहे हो। सबसे पहले आप सपने देख रहे हो। अब आप जो है ना यहाँ रियूनियन के सपने देख रहे हो। आप यहाँ पे सोच रहे हो कि हम एक साथ होते ना तो हमारी लाइफ जो है ना बिल्कुल एक, दोनों ही सोच रहे हो ये, दोनों ही, ठीक है। देख रहे हो कितनी खूबसूरत होती, हम होते, हमारी फैमिली होती, हम दोनों जो है ना एकदम इंजॉय कर रहे होते, है ना। तो बहुत सारे सपने जो है ना यहाँ पे बुने जा रहे हैं। आप दोनों ही जो है ना बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हो अपने सपने के बारे में, ठीक है। यहाँ पे जो है ना आप दोनों ने जो सपने देखे हैं ना वो आपको याद आ रहा है, वो उसके बारे में आप सोच रहे हो। आप ये भी सोच रहे हो कि हमने प्लानिंग किया था कि हम यहाँ जाएंगे, हम यहाँ फ्लैट लेंगे, हम वहाँ, मतलब एक छोटा सा हमारा घर होगा, है ना। तो आप दोनों ने मिलके जो है ना फैमिली के सपने देखे हैं, और आप दोनों ही इस वक्त वही सोच रहे हो, ठीक है। इस वक्त दोनों वही सोच रहे हो,
यहाँ पे मैं और कार्ड्स की एनर्जी देखूँ तो यहाँ पे 10 of Swords का कार्ड है, यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड है, ठीक है। तो ये कार्ड दोनों ही मुझे बता रहे हैं कि आप यहाँ पे पॉजिटिव वे में थिंकिंग कर रहे हो, ठीक है। आप यहाँ पे जो है पॉजिटिव वे में थिंकिंग कर रहे हो और आप यहाँ पे ये भी सोच रहे हो कि मेरा और उसका, ठीक है, इस 2021 में जो है ना यहाँ पे रियूनियन हो जाएगा और हम दोनों फिर से एक होंगे, हम दोनों फिर से उसी लाइफ को जिएंगे जो हमने कभी जी थी या कभी तमन्ना की थी कि हम दोनों साथ में आए, हम दोनों की लाइफ साथ में रहे, ठीक है, हम दोनों लाइफ टाइम साथ में रहे। तो आप यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव थिंकिंग कर रहे हो, उनकी पिक्स देख रहे हो, उनकी उनके सपने देख रहे हो, आपके एंजल नंबर दिख रहे हैं, है ना। तो आपको यहाँ पे आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है और आप यही उसी बारे में जो है ना ये सोच रहे हो। यहाँ पे आपके पार्टनर इस एनर्जी के बाद ये हो जा रहे हैं उदास, क्योंकि इन्होंने किया है आपके साथ चीट, इन्होंने किया है आपके साथ धोखा, इन्होंने किया है आपको ब्लेम, यहाँ पे इन्होंने गाली गलौज भी की है, यहाँ पे इस पर्सन ने आपके साथ मिसबिहेव किया है। तो इस पर्सन का जो है ना यहाँ पे दिल टूटा है, ठीक है, क्योंकि इनका जो ये मिसबिहेव है, इन्होंने जो किया है, ठीक है, वही अब जो है ना इनको याद आ रहा है और इनको तकलीफ हो रही है कि मैंने अनजाने में ही सही लेकिन उसको बहुत तकलीफ पहुँचाई है, अनजाना तो मैं नहीं था लेकिन मैंने उसको बहुत तकलीफ पहुंचाई है, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत सारे झूठ बोले हैं, बहुत सारे ऐसे बात बोला जो कि वो था ही नहीं, वो सच नहीं था, ठीक है, मैंने बहुत झूठ बोला, मैंने बातें बना बना के बोली उसको जो कि बेबुनियाद थी, ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन मेरा पर्सन जो है ना एकदम से आराम से एक्सेप्ट करता गया, समझता गया, सोचता गया, उसने हालांकि ना ना कहा लेकिन मैंने नहीं माना और मेरा जो है ना अब मुझे रिग्रेट फील हो रहा है, अब मुझे महसूस हो रहा है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है अपने पर्सन को ब्लेम करके, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर की ये वाली एनर्जी है और यहाँ पे फिर आप सोच रहे हो कि मेरा पर्सन आएगा, मेरा पर्सन अब आएगा, मेरा पर्सन अब आएगा। आप वेट कर रहे हो, उनके सपने देख रहे हो, उनके आने का बेसब्री से आप वेट कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि वो आएगा तो मैं ये बात करूँगी, मैं वो बात करूँगा, है ना। तो आपकी जो है ना एकदम एनर्जी जो है ना हाई है, ठीक है, मतलब कि आप चंचल हो, मतलब कि उस घड़ी का भी सब्री से वेट कर रहे हो जिस घड़ी आपकी और उनकी मुलाकात होगी, आपकी और उनकी फिर से बातें होंगी, ठीक है, तो उस टाइम का आप वेट कर रहे हो। तो यहाँ पे ये है और यहाँ पे वही आपके पार्टनर जो है वो भी काफ़ी होपफुल हो रहे हैं कि हाँ मुझे कॉल करना चाहिए, मुझे एक नई शुरुआत करके देखनी चाहिए, वो पर्सन एक्सेप्ट करता है तो अपनी तरफ से मुझे एफर्ट्स डालने चाहिए, ठीक है। तो आपके पार्टनर जो है इस एनर्जी में है, ठीक है, वो ये भी सोच रहे हैं इस एनर्जी के बाद, ये भी सोच रहे हैं कि हाँ मुझे एक नई शुरुआत तो करनी ही चाहिए, अपनी तरफ से मुझे कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए, ठीक है, तो एक बार ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, इनको ऐसी फीलिंग आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये है और इसके साथ ही मुझे जो है यहाँ पे हैंग्ड मैन का कार्ड है और यहाँ पे द वर्ल्ड है, यहाँ पे फिर आप सोच के जो है ना रुक जा रहे हो, आपकी फीलिंग एकदम से रुक जा रही है, आपको ऐसा फील हो रहा है कि क्या ये सही है या मेरा पर्सन आएगा नहीं आएगा, कहीं मैं ये सपने मेरे सपने सपने तो नहीं रह जाएंगे, आपको ऐसे भी फीलिंग आ रही है, आपको ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ पे आपको जो है ना रुकना नहीं चाहिए, आपको आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन फिर जो है ना आपको ऐसे फील हो रही है कि ऐसा भी आप सोच रही हैं कि या रहे हैं कि मुझे जो है ना एक बार अपने पार्टनर से कांटेक्ट करना ही चाहिए, मुझे एक बार उससे बात करनी चाहिए, लेकिन फिर आपके कदम रुक से जा रहे हैं कि नहीं वो गया है वो आए, और आप कोशिश भी कर रहे हो, फेसबुक इंस्टा हर जगह आप चेक कर रहे हो लेकिन क्या मिल रहा है, तो वहाँ पे आप ब्लॉक हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग भी है, आप दोनों में झगड़े भी बहुत ज़्यादा हुए हैं, ठीक है, तो उस बारे में ज़्यादा सोच रहे हो। वहीं मैं आपके पार्टनर की एनर्जी को देखूँ तो आपके पार्टनर मुझे दिख रहे हैं कि ये भी इस रिलेशनशिप के लिए होपफुल हो रहे हैं और इस 2021 में ही होपफुल हो रहे हैं, मतलब कि इस रिलेशनशिप को आगे
नेक्स्ट स्टेप पे ले जाने के लिए इस 2021 में ही जो है ना आपके पर्सन जो है ना सोच रहे हैं कि मुझे जल्द से जल्द मुझे एक्शन लेना ही होगा, मुझे उससे बात करनी होगी, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, करना ही करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है और यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि यहाँ जो है ना मैंने आपको ये वाली एनर्जी बताई ही और ये वाली बताई ही कि आप दोनों जो है ना आप पिछले झगड़े के बारे में सोच रहे हो, आप दोनों में बहुत झगड़े हुए हैं उसके बारे में सोच रहे हो, आपके पर्सन ने आपको बहुत ऐसी बातें बोली हैं जो कि बहुत गलत थी, बहुत बद्दी थी, है ना। तो यहाँ पे वही आप सोच रहे हो और आपके पार्टनर भी वही अपने इन्होंने जो चीटिंग किया है, जो इन्होंने गलत बोला है उसके बारे में ये भी सोच रहे हैं। वहीं आप फिर ये सोच करके अपने आप को रोक नहीं रहे हो और फिर क्या हो रहा है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। आप रातों को सोने से पहले मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप चाहते हो कि मेरा पर्सन जल्द से जल्द आ जाए, आप इसलिए जो है ना बहुत कुछ कर रहे हो, ठीक है। बहुत कुछ आप चाहते हो कि इस रिलेशनशिप को सही करने के लिए मुझे किसी ना किसी का जो है ना यहाँ पे सहारा मिल जाए या फिर कोई ऐसा पर्सन मेरी लाइफ में आ जाए जो मुझे इस पर्सन को लौटा दे, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं आपके पर्सन की एनर्जी को देखूँ तो फिर ये भी न्यू बिगिनिंग करने को ही है, ठीक है। ये भी न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। एक यहाँ पे देखा जाए तो इन्होंने जो किया है ना उस पे पछतावा तो इनको बहुत हो रहा है, बहुत बहुत ही अच्छे से इनको पछतावा हो रहा है। इनको लग रहा है कि हाँ मैंने कुछ गलत किया है, ठीक है। अपने किए पे पछतावा हो रहा है, सबसे पहली बात कि इनको अपने किए पे पछतावा हो रहा है, ये सबसे अच्छी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं यहाँ पे आपका ही बारे में सोच रहे हैं कि हाँ कहीं ये मूव ऑन तो नहीं हो गई, है ना। कहीं इनके दिल में ये भी थिंकिंग आ रही है कहीं ये मूव ऑन तो नहीं हो गई, मुझे भूल तो नहीं गई या भूल तो नहीं गया ना, अपनी लाइफ में आगे तो नहीं बढ़ गया ना, है ना। तो ये भी थिंकिंग चल रहा है, लेकिन इनका है कि हाँ न्यू बिगनिंग करेंगे, मैं अपने पार्टनर को मना लूंगा या मना लूंगी, है ना। तो ये भी चल रहा है। चलो इस कार्ड से देखते हैं कि क्या है प्लीज यूनिवर्स गाइड में, क्या आने वाला है प्लीज यूनिवर्स गाइड में। तो यहाँ पे मेरे पास एक कार्ड आया है यहाँ पे स्कॉलर। तो यहाँ पे हो सकता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे पढ़ाई में भी जुटे हैं, पढ़ाई में भी बिजी हैं और पढ़ाई करना चाहते हैं, है ना। तो हो सकता है कोई सी स्कॉलरशिप का वेट कर रहे हैं आप लोग, तो आपको वो मिल जाए, है ना। तो ये है और दुख, आपके पर्सन को तो दुख है ही, मुझे तो दिख ही रहा है कि ये पर्सन काफ़ी दुखी हैं, ये पर्सन काफ़ी बेचैन है, काफ़ी बेताब हैं आपसे मिलने को, बहुत बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ये पर्सन परेशान है, ठीक है। तो यहाँ पे टू कार्ड्स है तो मैं नहीं ले रही हूँ, ठीक है ना। और कार्ड देखते हैं प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ प्लीज़। देखो इतने सारे कार्ड्स आ गए ओके और कार्ड मैं देखती हूँ प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। तो यहाँ पे किसी से जो है ना आपके बारे में बातें हो रही हैं, आपके बारे में जो है ना किसी न किसी से आपके पार्टनर जो है ना पूछ रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, उनके लिए एक्शन लेना भी चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो कुल मिलाकर के यही एनर्जी मुझे दिख रही है कि आपके पार्टनर जो है ना बहुत बहुत पेनफुल सिचुएशन से भी गुजर रहे हैं और काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी भी है इनकी, ठीक है। तो ये है, सो ये रही आपकी रीडिंग और आई होप आपके साथ रीडिंग रेजोनेट की होगी। आज का जो हमारा टॉपिक था कि आप क्या, आप और वो क्या सोच रहे हो अभी इस वक्त, सो ये खत्म हुई। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।